हाल ही में हुए नीट के एग्जाम के बाद माय परिणामन में भ्रष्टाचार के आरोप लगात हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हा शहर के घड़ी चौक में विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन करी से। एबीवीपी कार्यकर्ता मन बताई से कि मई में नीट के पेपर हो के बाद 4 जून के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए, जबकि परिणाम आए के तिथि 14 जून के रही से। परीक्षा परिणाम में असंतुष्टि जाहिर करके एबीवीपी के कार्यकर्ता मन बताइन है कि 67 ऐसे छात्र है जिमला 720 में 720 नंबर मिले हैं और 8 छात्र मनला एक के जगह में टॉप करना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार डहार इशारा करते हैं। इला लेके या प्रदर्शन करेंगे हैं उन्हें ए बछर नीट के एग्जाम दिए छात्र मन ए घलो बताई से कि नीट के एग्जाम में हुए भ्रष्टाचार ले उखर सिलेक्शन में दिक्कत आवत है। उन्हें छात्र मन री एग्जाम के घलो मांग करे हैं। 8 लोगों को एक ही केंद्र से टॉप किया जाता है, सेम नंबर, ये कहाँ तक जायज है? और जिसको हम लोग ने सबसे बेस्ट टेस्टिंग एजेंसी मानते हैं उसके में भी भ्रष्टाचार, जहाँ छात्रों का आज मन उठ गया है, बहुत सारे छात्र ऐसे भ्रमित हैं। और उसी दिन हम बिहार में पेपर लीक का मामला सामने आता है और 13 लोग से गिरफ्तार होते हैं और ये बोलते हैं कि हम जांच कर रहे हैं, और जांच कर रहे हैं तो भाई तो आप बोलते, उसके बाद ये प्रेस में वो करते हैं कि हमारे द्वारा कुछ जांच के द्वारा कोई गलती नहीं हुई है। जी मैं आनंद चक्रधारी, मैं 12th पास छात्र हूँ। इसी साल मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ है। नीट में गड़बड़ी के कारण हमारे सिलेक्शन में काफ़ी रुकावटें आ रही हैं। हमें हमारा नी NTA पर से भरोसा उठ चुका है। हम चाहते हैं कि री नीट हो, और अगर री नीट नहीं होता है तो हम चाहते हैं कि जितने भी लोगों ने चीटिंग करके एग्ज़ाम पास किया है उन सभी को निकाला जाए, उन सभी को बैन किया जाए और हमें हमारा अधिकार दिया जाए। इस चीज़ का पुतला दहन कर रहे हैं। जी हम यहाँ पे NTA का पुतला दहन कर रहे हैं। सभी छात्रों का NTA पर से भरोसा उठ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ABVP ने हमारा काफ़ी समर्थन किया है।